हेलो गाइस, तो मैं वापस आ गया हूँ बिग माउथ के कौन एपिसोड के संग। तो गाइस, जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारे पाकचानो है अब वो सब लोग ही नहर से बचते हुए जेल से फरार हो जाते हैं और जेल के एक कोने में आते हैं और वहाँ पर खड़े होकर सब लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर दम है तो तुम मुझे शूट करके दिखाओ। और यहाँ पर जो भी पुलिस वाले होते हैं अब वो उनकी तरफ गन को पॉइंट कर देते हैं। तो गाइस, जो हमारा एपिसोड है अब उसकी स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर जो भी ऑफिसर है अब हमारे पाकचानो की तरफ जो भी गन होती है उसे पॉइंट कर देते हैं। तभी जो हमारे बॉर्डन है वो एकदम देखते हैं कि भाई ये तो पाकचानो है, और उन्हें हमारे गोंगजू की वाली बात याद आती है कि किसी भी हालत में तुम्हें उसे मरने नहीं देना है। और उसके बाद अब वो सभी लोगों को ऑर्डर देते हैं कि कोई भी उसे शूट नहीं करेगा, ये मेरा ऑर्डर है। और वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं अब उनके पास आ जाते हैं और उन्हें मतलब फिर से पकड़ लेते हैं और उठा के कहाँ पर डाल देते हैं, उसी तहखाने में डाल देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिसके अंदर हमारे पाकचानो ही केवल होते हैं। और उसके बाद जो बॉर्डन है वो हमारे गोंगजू कॉल करता है, उससे कहता है कि जो पाकचानो है उसने अपने आप को मरवाने की कोशिश की। तो जो गोंगजू है अब उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हें उसे किसी भी हालत में नहीं मानना है, क्योंकि वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज तैयार करके रखा हुआ है, बस तुम्हें उसे जिंदा रखना है किसी भी कीमत पे। और जो हमारे पाकचानो है अब उसी जेल के अंदर बैठ के सोचते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ भी जो हमारी मीहू है अब उसी हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए पहुंच जाती है जहाँ पर ये पूरी कहानी रची गई है, यूचन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ पर उनका पहला दिन होता है, तो वहाँ की जो हेड नर्स होती है वो उन्हें सभी लोगों से मिलवाती हैं, पर वहाँ पर और भी नर्सें होती हैं वो उनसे कुछ हाय हेलो वगैरह कुछ नहीं कहती। तो उसके बाद जो हमारी मीयू है अब अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी कुछ ही देर बाद जो वहाँ की सारी नर्सें हैं वो कहती हैं कि हमारा लंच ब्रेक हो गया है और हम लंच करने जा रहे हैं। और जो भी जिम्मेदारी होती है मतलब सभी पेशेंट को दवाई खिलाने वाली, वो हमारी मियो के ऊपर थोप के चली जाती है। उनसे कहती हैं तुम्हें तो सारे पेशेंट्स को दवाई खिलानी होगी, वो भी अकेले। तो बेचारी जो हमारी मियो है वो क्या बोल सकती है। और उसके बाद अब वो एक एक करके सभी पेशेंट को दवाई खिलाना स्टार्ट करती है। तो तभी हमारी मियो एक कमरे के अंदर पहुंचती है और वहां पर देखती है कि जो एक पेशेंट है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी है। और उसके बाद अब उसे बचाने के लिए जो भी बन सकता है वो करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर वो कोट ब्लू भी कर देती है जिससे वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्हें पता लग जाए कि भाई यहाँ पर इमरजेंसी है, पर उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता। और जो हमारी मियू है अब वो अकेले CPR परफॉर्म कर देती है। तो उसके बाद अब वो जैसे ऐसे करके उस आदमी को बचा लेती है। और जो डॉक्टर हैं और जो वहाँ की डायरेक्टर हैं मतलब पाक दुआ की वाइफ, वो सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने किसकी परमिशन से ये सब चीज़ें की है। तो जो हमारी मियू उनसे कहती है कि इसमें परमिशन वाली क्या बात है, ये बंदा मर रहा था और मैंने इसे बचाया है। तो जो वहाँ की डायरेक्टर है अब वहाँ के स्टाफ से कहती है कि तुमने कैसे इसे ट्रेन किया है, इसे पहले ट्रेन करो और उसके बाद जो भी काम है वो इसे सौंपो, और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। तो जो हमारी मियू है अब वहाँ की हेडनर से कहती है कि मैंने गलत किया तो किया क्या है, मैंने एक जानी तो बचाई है। तो वो कहती है कि यहाँ पर हम किसी की भी जान नहीं बचा सकते, और यहाँ पर जो उनकी फैमिली वाले हैं वो भी नहीं चाहते कि इनकी जान बचाई जाए, क्योंकि ये सब लोग वैसे ही मरने की कगार पे हैं। तो जो हमारी मियू है उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई इस हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। तो उसके बाद अब जो हमारी मियू है वो कैफेटेरिया वाले एरिया में आती है और वो यहाँ पर देखती है कि जो हॉस्पिटल के स्टाफ है वो पेशेंट की फैमिली वाले से कहते हैं कि तुम्हारे पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तुम ये डॉक्यूमेंट साइन कर दो जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रुपये मिलेंगे। और जो पेशेंट की फैमिली है वो पैसे के लालच में आके ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन कर भी देते हैं जिसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम पेशेंट को नहीं बचाएंगे, और इसमें जो फैमिली मेम्बर है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी मियू ये सब बातें कलेक्ट कर लेती है और उन्हें समझ में आता है कि भाई पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ लोचा है। और उसके बाद अब वो अपने घर पर आ जाती है। तो जो उनके लॉयर हैं वो उनसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद जो डाइवोर्स पेपर होते हैं उन्हें थमा देते हैं, उनसे कहते हैं कि पाकचांगो ने ये मुझे दिए हैं और मुझसे बोला है कि तुम प्लीज इस पर साइन कर दो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके चक्कर में तुम सफर हो। तो अब जो मियू है अब वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि इसकी ये सब करने की हिम्मत भी कैसे हुई, इसने ऐसा कैसा सोच लिया कि मैं इसका साथ छोड़ दूंगी। और उसके बाद वो लॉयर से कहती है कि क्या इसी वजह से पाकचानो मुझसे मिलना नहीं चाहता। तो यहाँ पर लॉयर वो बेचारे कुछ भी नहीं बोल पाते, और जो हमारी मियू है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने भी लगती हैं। तो उसके बाद अब जो हमारा सीन है वो चेंज हो जाता है, और जो हमारा बॉर्डर है वो भाई यहाँ पर मशीनों से पैसे गिनना है, मतलब पैसा बहुत है। और उसके बाद वो कहता है कि इन पैसों से क्या होने वाला है, इनसे तो मेरी फैमिली की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी, मुझे यहाँ पर कुछ बड़ा हाथ मानना पड़ेगा। और वो कहता है कि अगर पाकचानो ही असलियत में बिग माउस है तो भाई वो ब्लू व्हेल है, और मैं इस ब्लू व्हेल को अपने कब्जे में लेके रहूँगा।
और उसके बाद अब वो यहाँ पर ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि जो पाक चानो है उसे उस वाली जेल से निकाल दो, मतलब रिलीज कर दो और सभी लोगों के संग मिला दो। तो उसके बाद अब नेक्स्ट डे जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वहाँ के जेल के, उन्हें एक ऑडिटोरियम में बुलाया आता है। और यहाँ पर जो बॉर्डन है भाई, वो बिल्कुल सिंगम की तरह चश्मा वश्मा लगा के आता और वो भाई अपना ज्ञान देना स्टार्ट करता है कि भाई यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक डिसेंट लोग की तरह जियो, पर आखिरी में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर भगवान मैं ही हूँ, तुम लोगों के लिए जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना तो बाहर का कानून चलता है ना अंदर का, यहाँ पर जो भी कुछ करवाना है वो मेरे थ्रू ही होगा। और तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर जिनकी भी रुपए आ चुके हैं वो लोग ग्रेड वन के अंदर आ जाएं, और जिन्होंने रुपए नहीं दिए वो लोग वहीं पर खड़े रहें। और उसके बाद जो ऑफिसर हैं अब वो एक एक करके जो क्रिमिनल होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं उन्हें बोलना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पाक चानो हैं उनके दिमाग के ऊपर से सब कुछ चला जाता है कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वो यहाँ पर अपने सेलमेट से पूछते हैं कि भाई ये सब चल क्या रहा है। तो वो कहता है कि जो बॉर्डन है वो यहाँ पर क्रिमिनल से रुपए लेता है और उन्हें बढ़िया बढ़िया सुविधा देता है। तो वो कहते हैं कि ये तो गलत है ना, क्रिमिनल से रुपए लेना ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। तो यहाँ पर जो उनका सेलमेट उनसे कहता है कि भाई यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं है, ये लोग रुपए देते हैं और ये ग्रेड वन और VIP कहलाते हैं, और हम जैसे लोग जो रुपए नहीं दे पाते वो लोग सिर्फ दलदल में फंसे रहते हैं और इनके नीचे वाले जितने भी काम होते हैं वो सब करते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पाक चानो हैं अब उन्हें जोश आ जाता और वो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो यहाँ पर थोड़ी बहुत लोग की बातें कह देते हैं, उन्हें एक आधो धारा वगैरह गिना देते हैं। पर जो भाई वार्डन है वो उनके पास आता है वही चश्मा लगा के और उनसे कहता है कि बेटा सुनो, यहाँ पर कोई भी लॉ नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर लॉ बनाने वाले भी हम हैं और लॉ तोड़ने वाले भी हम हैं। और उसके बाद वो यहाँ पर अपने ऑफिसर से कहता है कि इसे यहाँ से ले आओ, मेरी नजरों से दूर करो इसे। तो उसके बाद जो हमारे पाक चानो हैं और जो बाकी के क्रिमिनल्स हैं उन्हें सीवर के अंदर बर्क करने के लिए कहा जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुम्हें इसकी सफाई करनी होगी। तो भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है और यहाँ पर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उसके अंदर भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ग्रेड वन के लोग हैं भाई वो तो बिल्कुल अमीर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब फुल टू फुल अच्छा खाना अच्छा खेलना, मतलब अय्याशी चल रही है कुल मिला के। तो उसके बाद अब जो ग्रेड वन के जो क्रिमिनल हैं जो गैंग वाले, वो यहाँ पर एक आदमी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो वाइफ है उसकी तबीयत खराब है और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा मेरा, तुम्हें पाक चानो को निपटाना होगा। तो उसके नेक्स्ट डे अब जो आदमी है वो यहाँ पर एक नाइफ लेकर आ जाता है और जो बॉर्डर है वो भी देख लेता है कि भाई ये बंदा कुछ बवाल करने वाला है, और वो यहाँ पर सब लोगों को सतर्क कर देता है कि जल्दी से यार्ड में पहुंचो। तो यहाँ पर जो अलार्म होता है अब वो अचानक बजने लगता है और जो आदमी है उसे भी समझ में आ जाता है कि वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। तो वो यहाँ पर एकदम भागना स्टार्ट करता है हमारे पाक चानो की तरफ और वो मतलब उनके ऊपर हमला कर देता है। तो ये हमारे पाक चानो है अब वो पहले बच जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो आदमी है अब वो यहाँ पर हमारे पाक चानो गिरा देता है और उनके ऊपर नाइफ को पॉइंट कर देता है, और जो हमारे पाक चानो है अब वो नाइफ को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। तो तभी यहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और जो आदमी होता है उसे पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पाक चानो है अब उन्हें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो यहाँ पर तीन बंदे हैं जो कि भाई सब कुछ खेल करवा रहे हैं वो तो नहीं है जिन्होंने मुझे बिग माउस बनवाया है। और उसके बाद वो सोचते हैं कि असलियत में है कौन जिसने मुझे बिग माउस बनाया है। तो यहाँ पर जो बॉर्डन है अब वो हमारे पाक चानो को बुलाता है और उनसे मतलब मीटिंग वगैरह करता है। तो यहाँ पर जो बॉर्डन है अब उनसे कहता है कि भाई 100 बार थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होने वाला, तुम एक बार मुझे एक ऐसा गिफ्ट दे दो जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊँ। और उसके बाद वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि गोंगजून को ऐसा लगता है कि तुम बिग माउस हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, और यहाँ पर जितने भी तुम्हें मौके मिल रहे हैं ना बचने के वो सिर्फ उसकी वजह से मिल रहे हैं। जिस दिन अगर तुम्हारा पर्दा खुल गया ना उसी दिन तुम्हारी फ्यूनल हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ तुम्हारे फैमिली मेम्बर की, जैसे तुम्हारी वाइफ तुम्हारे फादर इन लॉ, तो उनको मैं कभी मरवा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना वैसे ही उनका एक्सीडेंट हो जाएगा और किसी को कानो कान भी खबर नहीं लगेगी कि भाई किसने एक्सीडेंट करवाया था। तो जो हमारे पाक चानो है अब उनसे कहते हैं कि अगर तुमने मेरी फैमिली मेम्बर को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी पूरी फैमिली तुम पता भी नहीं चलोगे कि कहाँ गए। और उसके बाद अब वो थोड़ा अपना सिर नीचे डालते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे धमकाओगे तो मैं डर जाऊंगा। और उसके बाद अब वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं ही बिग माउस हूँ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे बिग माउस क्यों कहा जाता है। और गाइस जो हमारा पार्ट है वो यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो गाइस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के संग जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।